Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग. और नवरात्रि का पहला दिन है, आप सबको इसकी हार्दिक बधाई. और 9 दिन अच्छे काम करिएगा सब लोग जो भी ये शो देख रहा है. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो. स्टार्टिंग करेंगे हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट के साथ, जो आपको कंप्यूटर जी यहाँ पर दिखाएंगे. मोटिवेशनल कोट को के कई मायने हैं, आइए समझते हैं. इफ़ इट डज नॉट चैलेंज यू, इट वुड नॉट चैलेंज यू. अगर कोई भी चीज़ आपको चैलेंज नहीं करती है तो आप, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि चैलेंज लाइफ में होने चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक चैलेंज नहीं होता हमारे सामने, हमारे अंदर क्या छिपा है, हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है, वो सब हम खुद नहीं जान सकते. वो तभी बाहर आएंगे जब कोई चैलेंज हमारे सामने होता है. चैलेंज को एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए. और याद रखिए कि आप सब कर सकते हैं सारे काम, क्योंकि आप रॉक स्टार्स हैं. आपके लिए कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. करिए और चैलेंज लीजिए, चैलेंज को लेना सीखिए, है ना. चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. और स्टार्टिंग करेंगे अपने इंडेक्स के साथ. और इंडेक्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी से लेकर एक्स्ट्रा हाईलाइट तक. ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा. हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पे और स्टार्टिंग करेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी से. और यहां पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात कर रहे हैं. दोस्तों पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. देखिए बैंक के डेली अपने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी बांटनी है, इंटरेस्ट बांटना है, अपने अपने खर्चे. तो बैंक हमेशा अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए कुछ पैसे को बचा के रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. और ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से होता है. तो अभी क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से बोला है कि आपको हम 2% का एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन कर, मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास कैपिटल बढ़ेगी. मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये होते हैं और RBI कहता है कि आपको 15 रुपये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के रूप में रखना चाहिए. तो अभी RBI बोल रहा है कि आपको 13 रुपये रखने हैं, 2% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक ज्यादा लोन बांट सकता है और बैंक को प्रॉफिट होगा, हमारे देश में पैसा और फ्लो होगा तो डेवलपमेंट होगा. आइए देखते हैं, उसको करते हैं. तो RBI प्रोवाइड एडिशनल 2% लिक्विडिटी विंडो टू द लेंडर्स बाय द ट्रिकिंग लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स. तो RBI ने उधारकर्ताओं, यहां पे उधारकर्ताओं का मतलब बैंक है, RBI ने बैंकों को तरलता कवरेज अनुपात मानदंड को संशोधित करके अतिरिक्त 2% लिक्विडिटी प्रदान की. 2% लिक्विडिटी प्रदान की, मतलब कि आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, आपको हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है. तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है वो भी यहां पे दिखाया हुआ है. LCR indicate the proportion of highly liquid asset held by bank to ensure their ability to meet short term obligation. मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ पैसा ऐसा होता है जो बैंक अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए रखता है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2% की लिक्विडिटी और देंगे, मतलब पैसा और देंगे ताकि बैंक के पास कैपिटल बढ़े. अगर आगे हम बढ़ें तो आपको यहां इस न्यूज में केवल 2% लिक्विडिटी याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा बैंकिंग फाइनेंस का आपको समझाते हैं. देखिए यहां पर तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर, इट इज हाईली क्वालिटी लिक्विड असेट हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. डेफिनेशन तो आपको पता ही है, हम पहले फॉर्मूले पर आते हैं. तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कैसे निकलता है, तो रेशियो है ना ये, तो हाई क्वालिटी लिक्विड असेट डिवाइड बाई नेट कैश आउटफ्लो इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है. अब ये हाई क्वालिटी लिक्विड असेट का मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरी मॉनिटरी पॉलिसी वाली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें पढ़ाया कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश. लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, या तो कैश या तो कोई ऐसा आइटम जो कैश तो नहीं है लेकिन आप कैश में से तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड. तो लिक्विड असेट का मतलब या तो कैश या तो कोई ऐसी चीज जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक. आइए तो मैंने आपको इस पर एग्जांपल भी दिया है. तो यहां पे HQLA का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड असेट, एलिजिबल असेट इंक्लूड. इसमें क्या क्या चीजें होती हैं,
कैश हो गया और इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी वाला कैश भी, ठीक। और देखें कैश बियॉन्ड CRR, कैश बियॉन्ड SLR एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक PSE, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, इनकी कोई सिक्योरिटी अगर बैंक के पास पड़ी है तो ये सब आपके हाई क्वालिटी लिक्विड असेट में आते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ जो कैश हो या फिर कैश में तुरंत कन्वर्ट हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड असेट बोलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए फिर से एक बार, हाई क्वालिटी लिक्विड असेट डिवाइड बाई नेट कैश आउटफ्लो। जो बच्चे आगे RBI ग्रेड बी के एग्जाम देने जाएंगे उनको ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप इतना कार लिक्विड असेट होगा जी। फाइनेंस बैंकिंग की बात करो, कार आपकी असेट नहीं होता क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, क्लियर। और नीरव, टॉप 3 बैंक जो है वो आपके SBI है, HDFC है और अब क्या हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, कल ये। तो ये पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया, आगे बढ़ते हैं और आपको हम यहां पर नॉन बैंकिंग, आपने हमेशा बैंक के बारे में सुना है, आप क्या NBFC को जानते हैं? NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंक तो नहीं होते लेकिन बैंक की तरह वर्क करते हैं। आपको हमने इसका एग्जांपल भी दिया यहां पर, ये सारी कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आती है। हमने आपको बैंक और NBFC के बीच में डिफरेंस भी पढ़ाया है। तो NBFC जो होती है वो कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। यहां पर डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो अगर आप NBFC में कोई पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो हमेशा या तो FD के फॉर्म में या तो RD के फॉर्म में होंगे, ये करंट और सेविंग अकाउंट फॉर्म में कभी नहीं होते, ठीक। NBFC आर नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब NBFC पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी नहीं होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख लीजिएगा, हमारे PDF में आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको बैंक और NBFC के बीच में डिफरेंसेस पढ़ाए हैं, यहां पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, हम पहले भी दे चुके हैं, आज भी दे रहे हैं, RBI के अपने पूरे स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंकों का रेगुलेटर है। तो मैंने आपको एक लिस्ट भी दी है कि कौन कौन से इंडिया में रेगुलेटर हैं जो कि अलग अलग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो देखिए सेबी यहां पर है, इंश्योरेंस को IRDA कंट्रोल करता है ना। तो हमने मार्केट रेगुलेटर्स का भी आपको एक लिस्ट यहां पर दिया है। आप पेंशन की बात कर ले तो उसके लिए PFRDA है। आप फाइनेंशियल रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो NABARD है यहां पर। अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की बात करें तो SIDBI है यहां पर, है ना, रेगुलेटर्स। तो हमने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी दी है, लिस्ट आपके सामने है, PDF से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे न्यूज पर आते हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑबिट्रीज की, मतलब निधन की। और VG पटेल का निधन हो गया। VG पटेल हमारे हेडलाइंस पर क्यों है, क्योंकि VG पटेल को हम फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहते हैं। VG पटेल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में एक रिवोल्यूशन शुरू किया था कि भाई क्यों सरकार ही हर बिजनेस करे, हमारे देश में हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए नए नए बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए इनके बारे में, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है विदुषी गोपाल दास पटेल। देख लीजिए यहां पर गोपाल दास पटेल की हम बात कर रहे हैं। गोपाल दास पटेल जो है इन्हें हम फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहते हैं, और ये नोटेड इकोनॉमिस्ट थे। इनका निधन हो गया है। क्या नाम है इनका, देख लीजिए, गोपाल दास पटेल। तो इसीलिए ये जरूरी है बिकॉज यहां पर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। और एक बात देखिए, 2017 में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। इनका निधन हो चुका है। मे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि इन्हें किस ईयर में पद्मश्री का अवार्ड मिला, तो 2017 में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहे जाने वाले पर्सन, इनका नाम बताएं जिनका निधन हो गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो गोपाल दास पटेल, या फिर गोपाल दास पटेल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक। चलिए, तो ऐसे न्यूज बनते हैं घुमा घुमा के। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं कि आपको इस तरह पढ़ना होता है, ठीक है। देख लीजिए यहां पर, ठीक है, ये भावनाओं को समझने वाली बात हमारी है, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब रिवीजन आपका हमेशा हम कराते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन देख लीजिए, यहाँ पर हमने आपको मोहन नारायण राव संपत की बात हमने की है, जो कैप्टन थे इंडियन नेवी में, इनका भी निधन हो गया है। और बांग्लादेश की लड़ाई में इनका काफ़ी योगदान था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। या हम बात करें प्रोमिनेंट लिंगायत पॉन्टिफ, पॉन्टिफ का मतलब बिशप कह दो, पुजारी कह दो, जो कह दो, एंड बसावा धर्म पीठ प्रेसिडेंट माते महादेवी का भी निधन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। आगे बात करें तो सोवियत संघ जब था रशिया, तो सोवियत संघ के अगेंस्ट में लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान से, आपको ये पता ही होगा। तो फॉर्मर अफगान मुजाहिदीन कमांडर, इनका नाम है
सिबग तुल्ला मुजादेही मुजादेदी, इनका भी निधन हो गया 93 ईयर एज ओल्ड में. ठीक है, वैलेस स्मिथ की बात करें जिन्होंने हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेके पूरे वर्ल्ड को वार्निंग दी है, इनका भी निधन हो गया. ये फेमस पर्सनालिटी हैं. कादर खान की बात करें, एक्टर थे 81 ईयर में, इनका निधन हो गया. तो ये सब तो आपको पता ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो दो न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं और पहली न्यूज़ हमने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात की और दूसरी न्यूज़ हमने वीजी पटेल के निधन की बात की. आइए तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स. देखिए, रशिया के डेलीगेशन ने मुलाकात की हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ. आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री के डेलीगेशन ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का दौरा किया. तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो आपको रशिया चूज करना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. आइए देखते हैं. देखिए, रशियन डेलीगेशन लीड बाय द रशियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट मिस्टर एचई एलेक्सी वोलिन. तो इन्होंने अमित खरे के साथ मुलाकात की और अमित खरे कौन है, सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में. अमित खरे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में. रशियन डेलीगेशन ने इनसे मुलाकात की. क्यों मुलाकात की भाई, आइए इसके बारे में बात कर लें. तो इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड डेट एन एनुअल इंडो रशियन फोरम फॉर मीडिया कोऑपरेशन बी ऑर्गेनाइज अल्टरनेटली इन इंडिया एंड रशिया टू institutionalize the process of cooperation between the two nations in the media and the entertainment sector. मतलब कि ये दोनों देशों के बीच में ये agreement हुआ था कि हर साल रशिया में और इंडिया में ये meet होता रहेगा ताकि media sector में cooperation बढ़े इंडिया और रशिया का. फिलहाल आपको इतना पूरा याद नहीं करना है. रशियन डेलीगेशन ने मुलाकात की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में किससे, वहां के सेक्रेटरी से, अमित खरे से. इतना याद कर लिए बस काफी है. ठीक है, रशिया के बारे में बात करते हैं. वर्ल्ड मैप में रशिया को आप देख सकते हैं, रशिया का कितना बड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कितनी बड़ी बाउंड्रीज हैं आप यहाँ पे देखिए. उसके बाद अगर बात करें तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है. ठीक है, और देयर आर 11 टाइम जोन इन रशिया. रशिया में 11 टाइम जोन पड़ते हैं और रशिया 14 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता है. मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देशों से बाउंड्री शेयर करने वाला रशिया ही है, 14. ये भी आपको लर्न करना है. इन 14 कंट्री का नाम आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की इन्फॉर्मेशन. तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और अगर अमित खरे की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं. आपको ये मैंने अभी पढ़ाया, रिसेंटली पढ़ाया है ना. चलिए आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर सारे बच्चे हैं. अंशुल पांडे बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है. बफरिंग नहीं हो रही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अब नेशनल अफेयर्स मतलब आज के चौथे न्यूज़ की बात करते हैं, फोर्थ न्यूज़ की बात. तो कोयम्बटूर के स्टूडेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री मारी है. तो कोयम्बटूर के स्टूडेंट का नाम क्या है, आइए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं. इनका नाम है श्रीधर मुथुकृष्णन. ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं ऑफ BSc विजुअल कम्युनिकेशन. इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है इन लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी विथ 1350 लाइट ऑर्ब. तो देखिए, लाइट पेंटिंग कैटेगरी में इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये देख लीजिए. और इनका नाम क्या है, श्रीधर मुथुकृष्णन है. तो ये नाम आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा. आपको हम रिविजन भी कराएंगे अभी. तो ये पॉइंट हो गया, आगे बढ़े. डर लग रहा है सुमित, क्यों डर लग रहा है भाई, डर के आगे जीत है और मेरा नाम अभिजीत है ना. चलो तो अब देखो, ये तो आपके भावनाओं को समझने वाली बात है. डेटा आपको मैंने बता दिया और अगर मैं आपको रिवीजन कर रहा हूं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था सिंगल लाइन बाइसिकल चलाकर, क्योंकि CISF के 50 साल कंप्लीट होने की खुशी में. तो CISF ने भी क्या किया है, ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयागराज कुंभ मेला भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ तीन चीज़ों में. पहला लार्जेस्ट क्राउड मैनेजमेंट, दूसरा लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव एंड तीसरा लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज. आपको सब पढ़ाया गया ये सब. ठीक है, और अगर आगे बढ़ें तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की. तो एक कैंपेन चलाया था उदयपुर के रॉयल फैमिली के मेंबर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने. तो इन्होंने जनता से अपील की थी कि अपने जो भी पुराने क्लॉथ हैं उसको आप दें ताकि वो NGOs या स्कूल में बांटे जाएं. तो ओवर 3 लाख क्लॉथिंग आइटम्स को कलेक्ट किया था. तो ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था अभी हाल ही में. तो हमने आपको उसका रिविजन भी करा लिया. ठीक है, चलिए आगे बात करें. तो करतार कौर संगा, इन्होंने 118 साल में अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया. तो ये ओल्डेस्ट पर्सन है टू बी ऑपरेटेड अपॉन. तो ये भी आपको हमने पढ़ाया, पहले ही पढ़ाया हुआ है. तो ये सब कुछ रिवीजन की बात अगर हम करें तो है. ठीक, इसके साथ ही साथ हमने आपको पूरी एक लिस्ट दी है कि मार्च के महीने में अवार्ड्स कौन कौन से बांटे गए हैं आपको आराम से याद करने के लिए. देख लीजिए यहाँ पर, तो पहली लिस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है, हमारे PDF में होगा, आपके
रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद देख ले यहाँ पर, जैसे प्रेसिडेंट की बात करें हम, क्रोशिया का हाईवेस्ट सिविलियन ऑनर मिला था आपको, या फिर हम केन विलियमसन की बात करें, तो पूरी लिस्ट हमने आपको यहाँ बनाकर दे दी है अवार्ड एंड ऑनर की। आप इसे आराम से रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, देखिए पूरी लिस्ट मार्च की, ठीक, इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, मतलब कि आज की हमारी पांचवी न्यूज, और यहां पर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता की हम बात कर रहे हैं, यानी कलकत्ता के नए मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली है। क्या इनका नाम है, आइए इनके नाम की बात करते हैं। तो इनका नाम है TBN राधाकृष्णन, इन्होंने न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट की शपथ ली है। देख लीजिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि भाई किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑफ कोर्स वहां के गवर्नर दिलाते हैं, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, केशरीनाथ त्रिपाठी, इन्होंने जस्टिस राधाकृष्णन को शपथ दिलाई है। तो देख लीजिए अभी पॉइंट, ठीक है, क्लियर होगा इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भावनाओं को समझने वाली बात है, हालांकि पीडीएफ में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको हम लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट, तो अभी आपने पढ़ लिया इनका नाम, ठीक। और देख लीजिए यहाँ पर, तो हमने आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, याद करने के लिए आपके। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे डिफेंस न्यूज़ पर, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपकी कभी कार फंस गई तो क्रेन आती है कार खींचने के लिए, तो जो ये बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जब इनका मेंटेनेंस होता है तो इनको आगे पीछे करने के लिए, इनका मूवमेंट करने के लिए टग होते हैं, न्यू टग बहादुर। तो नया टग बहादुर जो है वो नेवी फ्लीट में शामिल हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, नाम भी आपको दिख रहा होगा बहादुर नाम इसका, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द इंडियन नेवी शिप, अ न्यू 10 टन बोलर्ड पुल टग बहादुर वॉज इंडक्टेड इन टू सर्विस एट द नेवल शिप रिपेयर यार्ड ऑन 4th अप्रैल। तो बहादुर आपको याद रखना है पहला पॉइंट, ठीक है। और इसे किसने बनाया, तो इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने डिजाइन किया है, बनाया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि ये जो पुल टग है बहादुर, इसे किसने बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसको बनाया है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो स्टडी पॉइंट देख लीजिए, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है, 21 जून 1941 में इसको फाउंड किया गया था, और इसके की पीपल हैं रियर एडमिरल LV शरद बाबू, चेयरमैन और MD हैं आपके शिपयार्ड के, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम फिर से यहाँ पर कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का रिवीजन कराते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि साउथ कोरिया ने 5G मोबाइल नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है और पूरे वर्ल्ड का पहला देश बन गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको हिंडई के ब्लू लिंक के बारे में बताया था कि साउथ कोरिया की कार मेकर हिंडई कंपनी जो है वो इंडिया में ब्लू लिंक कनेक्टिविटी लेके आ रही है फीचर, जिससे कि आप अपनी वॉइस से अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि चाइना ने टिनलियन 2nd 01 सेटेलाइट लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च 3B करियर रॉकेट, जैसे हमारे यहाँ PSLV है, इनके यहाँ लॉन्ग मार्च 3B करियर रॉकेट है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि इसरो ने एमिसेट और 28 अदर स्मॉल सेटेलाइट को अभी प्रक्षेपित किया है, तो ये भी न्यूज़ आपको बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको मैंने मिशन शक्ति के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, और आपको भी इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब एंटी सेटेलाइट मिसाइल सिस्टम हमारे पास आ गया है मिशन शक्ति, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, और इंडिया 4th नंबर का देश बना, ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की 6वीं न्यूज़, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और इंडिया ने अभी फीफा रैंकिंग में 101 पोजीशन हासिल कर ली है, 101वीं पोजीशन हासिल कर ली है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि एशिया की बात करें तो एशिया में भी हम 18वें नंबर पे आते हैं, 18th नंबर पे आते हैं। फुटबॉल की कंडीशन काफ़ी दयनीय है हमारे देश में, बिकॉज हमारे यहाँ तो क्रिकेट का बुखार चढ़ा होता है ना। देखिए, तो इंडिया मेन्स फुटबॉल टीम की बात करें तो इंडिया को 101 रैंक मिल गई है इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, जो कि 4 अप्रैल को रिलीज हुआ, ठीक है। और इंडिया के पॉइंट हैं 1219, पॉइंट रेयरली ही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इंडिया की रैंकिंग 101 है। तो टॉप पे कौन है, आइए उसकी हम बात कर लें। यहां पर बेल्जियम टॉप पर है पूरे वर्ल्ड में, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में ईरान टॉप पर है, एशिया में ईरान टॉप पर है, हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग में ईरान की जो रैंकिंग है वो 21 है, तो ईरान एशिया में ईरान टॉप पे है, ठीक है। तो बेल्जियम पूरे वर्ल्ड में टॉप है और ईरान एशिया में टॉप है, इंडिया की रैंकिंग 101 है, आपने यहां पर देख लिया। तो फिर आगे बढ़ते हैं और रिसेंट एंड इंपॉर्टेंट फुटबॉल रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं आपसे, ठीक। चलिए
देखिए यहाँ पर तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीत लिए 5वीं बार नेपाल को हराकर। नेपाल में ये इवेंट हुआ था, नेपाल को हराकर। अच्छा और देखें, चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब वॉज ऑफिशियली क्राउन्ड द आई लीग चैंपियनशिप। तो आई लीग चैंपियनशिप जो चेन्नई में हुई उसे चेन्नई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता। और आगे बढ़े तो अर्जेंटीना और कोलंबिया ये लोग को होस्ट करेंगे 2020 कोपा अमेरिका 20, और 19 वाला ब्राजील होस्ट कर रहा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। और देख लीजिए, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने अनाउंस किया है कि इंडिया विल होस्ट द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2020। इसके पहले भी इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है, लेकिन वो मेल का था, मेंस का था, ये वुमेन का होगा 2020 में ही होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो हमने आपको बता दिए। फीफा के बारे में बात करें तो फीफा का हेडक्वार्टर याद करना काफी जरूरी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। ये दो पॉइंट तो आपको काफी लर्न करना ही लर्न करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं, देखो यहाँ पे अब फुटबॉल की बात हुई है तो फीफा वर्ल्ड कप की भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पूरे स्टडी पॉइंट जिन बच्चों के रेलवे के और एसएससी के एग्जाम है उनके लिए लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम की बात करें तो थोड़ा लेटेस्ट ही पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एसएससी रेलवे वाले बच्चे काफ़ी ध्यान से सुन लें इसे, ठीक है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और देख लीजिए तो हमने पूरे फीफा वर्ल्ड कप की स्टैटिक पॉइंट आपको यहां पर दे दिए, कहां पर हुआ, क्या क्या स्टैटिक पॉइंट है देख लीजिए यहां पर, और हम आपको फीफा अवार्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। देख लीजिए तो यहां पर फीफा अवार्ड भी हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और यहां पर समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। तो इंडिया ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है, आप देख रहे होंगे कि नेपाल में चाइना कॉन्टिन्यूस अपनी जगह बना रहा है, तो इंडियन ब्रांड को, इंडियन कंपनीज को नेपाल में एंट्री दिलाने के लिए एक तरह का इवेंट होगा काठमांडू में, नेपाल इंडिया कॉन्क्लेव टू बी हेल्ड इन काठमांडू। आइए उसके बारे में बात करें तो नेपाल इंडिया फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कॉन्क्लेव विल बी हेल्ड इन काठमांडू फ्रॉम 15 to 16 May 2019। तो नेपाल इंडिया फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट एक्सपो कॉन्क्लेव कहां पर होगा, काठमांडू में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इट विल ब्रिंग द लीडिंग इंडियन आइकॉनिक ब्रांड टू नेपाल। नेपाल में एंट्री इसके थ्रू हो जाएगी, मतलब कई एग्रीमेंट एमओयू साइन होंगे और ऑफिशियली इंडिया के ब्रांड्स जो हैं लीगली वो नेपाल में बिकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए तो इट इज ऑर्गेनाइज by the Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry and Embassy of India and Franchise India, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अब आपको रिसेंट समिट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट कहां पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसका इनॉग्रेशन हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया था और रविशंकर जी भी यहां पे मौजूद थे, ठीक है। दूसरी बात देखें तो यहां पर दो धुरंधर दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, इनके बारे में बात कर लें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन, तो इनके बीच में भी एक मीटिंग हुई, कहां पर, वियतनाम की कैपिटल हनोई में हुई, तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिखाई पड़ रही है। अब हम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करें तो यह समिट कहां पर हुई, यह समिट नई दिल्ली में हुई, इसका इनॉग्रेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने किया था और इसका थीम भी आपको यहां पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हम देख पा रहे हैं, मतलब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनॉग्रेटेड 2019 एशिया एलपीजी समिट इन न्यू दिल्ली, तो एशिया एलपीजी समिट भी न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स एंड रिपोर्ट में एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देते हैं, अगर आप ऐसे से पढ़ोगे न्यूज़पेपर में अपने से तो क्लियर नहीं होगा। देखिए आपको मैंने कई बार बताया है कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने का ऑब्जेक्टिव है 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सैनिटेशन, ये सब। तो क्या अभी एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, UNESCPA रिपोर्ट एस्टिमेट। इन्होंने क्या बोला, जो भी 17 गोल्स हासिल करने हैं यूनाइटेड नेशंस को या पूरे वर्ल्ड को, तो उस गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी तो होंगे। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है कि टोटल 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी यूनाइटेड नेशन को या पूरे देशों को, यानी कि रुपीस पर डे आपको पर डॉलर मतलब $1 पर डे पर पर्सन आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आपको इस गोल्स को अचीव करना है, तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, आपको इसमें दो ही पॉइंट याद रखने हैं, 1.5 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर का खर्चा या फिर $1 पर पर्सन पर डे का खर्चा होना चाहिए, ये बात आपको बताया गया है। देखिए यहां पर
तो अगर हम बात करते हैं तो एन एडिशनल एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ USD 1.5 ट्रिलियन इक्विवेलेंट टू अ डॉलर पर पर्सन पर डे वुड अलाउ कंट्रीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाई 2030 एज पर द यूनाइटेड नेशन सर्वे. तो ये बताया गया है, ठीक है. तो आपको 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर या $1 पर पर्सन पर डे याद रखना है. दो पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है. आगे बढ़े अगर हम लोग, तो ये किस रिपोर्ट में बोला गया है, तो एक सर्वे हुआ और सर्वे का टाइटल था सर्वे 2019 एम्बिशंस बियॉन्ड ग्रोथ, ठीक. और इसे लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ने फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. तो इसकी बात हम कर रहे हैं. बेसिकली ये रिपोर्ट जो है ये सर्वे हुआ था आपके एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज के ऊपर, ठीक है. आगे देख लीजिए यहाँ पर, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको लर्न करना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं. तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक. और अगर आगे बात करें तो हमने आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट एंड इट पब्लिशर की बात की है. आपके पिछले साल कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको मैंने दे दिया है भैया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जामिनेशन. मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की हम बात कर लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम बात करें आगे तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर ले, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, IMF पब्लिश करती है हमेशा, ठीक है. तो ये देख लीजिएगा, ये हमने आपको दे दिया है. आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, और नेक्स्ट न्यूज़ आपको हम क्या देने वाले हैं देखिए यहाँ पर. चलिए अब एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास आज है, ठीक है. देखिए तो कर्नाटक, आपको मैंने कई बार बैंक का इंश्योरेंस पढ़ाया. बैंक का इंश्योरेंस का मतलब होता है कि बैंक किसी इंश्योरेंस से टाई अप करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज अपनी ब्रांच से सेल करते हैं, बैंक का इंश्योरेंस है ना. तो कर्नाटका बैंक ने एक MOU साइन किया है, यहाँ पर देख लीजिए किसके साथ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ. यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कर्नाटका बैंक के ब्रांच से सेल होने वाली है. पहली न्यूज़ आपके सामने आज की एक्स्ट्रा हाईलाइट की, ठीक. तो कर्नाटका बैंक और भारतीय एक्सा आपको यहां पर इमेज में भी दिखाई पड़ रहा होगा. और अगर आगे बढ़े तो आपको कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात भी करेंगे. कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया. और महाबलेश्वर MS की बात करें इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कर्नाटका बैंक. इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में. पहली न्यूज एक्स्ट्रा हाईलाइट की, ठीक. आगे बात करें तो दूसरी बात करते हैं, तो कल ही हम लोग बात कर रहे थे किसकी, IL&FS की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे. तो इसमें अभी कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं. कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं आइए बात करते हैं. देखिए तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है, CS राजन बन गए हैं. एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन कौन बना है, विनीत नैयर बन गए हैं. डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गया है, विजय कुमार बन गए हैं. एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं, ये चार लोग बने हैं. इनकी न्यूज देख लीजिए, तो ये नया अपॉइंटमेंट है IL&FS की, तो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है. तो आज की दूसरी एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज आपको हम यहां पर दे रहे हैं, ठीक है. आइए न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं. सेवेंथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली हेल्ड इन दिल्ली. सबसे पहले एडिशन, कौन सा एडिशन, सेवेंथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया और इटली कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ. आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लें. द सेवेंथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड द इटली वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पहली चीज, ठीक. और इंडियन डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था, एक गीतेश शर्मा लीड कर रहे थे. तो यहां पर देखिए, तो इंडिया और इटली के जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर हैं उसको सुलझाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये मीटिंग हुई. लेकिन ये सेवेंथ मीटिंग थी, ये आपको ध्यान देना है. और ये सेवेंथ मीटिंग कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई, आपको ये ध्यान देना है. इटली की कैपिटल रोम है और करेंसी यूरो है, आपको ये पता ही होगा, ठीक है. तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज नंबर 3 की हम बात यहां पर कर रहे थे, ठीक है. आइए न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड IIT दिल्ली इंक MOU ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट. तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और IIT दिल्ली के बीच में एक MOU साइन हुआ है, हम उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और IIT दिल्ली MOU साइन हुआ है, यहां पर देख लीजिए. हम न्यूज नंबर 4 की बात कर रहे थे, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक है. न्यूज नंबर 4 हमारा आज का. आगे बढ़े न्यूज नंबर 5 की बात करते हैं. देखिए रशिया,
और इंडिया, हम इन दोनों के शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के शेयर मार्केट बीएससी ने और इंडिया आईएनएक्स ने रशिया के मॉस्को एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि दोनों देश एक दूसरे देश के शेयर मार्केट के हालात जान सकें और इन्वेस्टर की भी इंफॉर्मेशन रख सकें। तो बीएससी एंड इंडिया आईएनएक्स, आईएस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। BSE and India International Exchange have signed a memorandum of understanding with Moscow Exchange to connect investor community and companies in both country beside allowing a capital formation platform. ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात कर लें, इन दोनों ने मॉस्को एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि जो दोनों देश के जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच में भी कॉपरेशन हो, इनके बीच में भी नॉलेज शेयरिंग हो जाए और एक कैपिटल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया जा सके। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैंने MOU में पढ़ा दिया। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज़ नंबर 5 की हम बात कर रहे थे आपके सामने और आपको हमने ये न्यूज़ दी। आइए न्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। न्यूज़ नंबर 6, और यहाँ पर बात हो रही है शाहरुख खान को लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं और शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। देखिए, शाहरुख खान को इसके पहले भी दो यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। देखिए यहां पर, आफ्टर द ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, सुपरस्टार शाहरुख खान हैज रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट इन फिलेंथ्रोपी बाई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन। रिसेंटली बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने शाहरुख खान को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो ये आज की हमारी न्यूज नंबर 6 है। ठीक है, तो न्यूज नंबर 6 यहां पर आपके सामने था, आपने देख लिया। आगे बढ़े और न्यूज नंबर 7 की बात करें, फिच रेटिंग की बात करते हैं। फिच रेटिंग, तो फिच रेटिंग ने क्या किया है? फिच रेटिंग ने इंडिया की ग्रोथ रेट को BBB- मतलब कि स्टेबल घोषित किया है फिच ने। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो आइए क्या इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकता हूं यहां पर। देखिए, यहां पर देखिए, तो फिच रेटिंग केप्ट इंडियाज सॉवरेन रेटिंग अनचेंज एट द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ BBB- विथ अ स्टेबल आउटलुक। तो फिच ने बोला है कि जो इंडिया के हालात रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे और इंडिया को BBB- की रैंकिंग दी है, मतलब कि तब भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, हमारे पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिच BBB- यानी स्टेबल रैंकिंग, इतना पॉइंट आपको बस पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो फिच एक्सपेक्ट ग्रोथ ऑफ 6.8% इन द फिस्कल ईयर एंडिंग मार्च 2020, यहां पर देख लीजिए, एंड 7.1% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए हमारी ग्रोथ रेट को 6.8% एस्टीमेट किया है और फाइनेंशियल ईयर 21 में हमारी ग्रोथ रेट को 7.1% एस्टीमेट किया है। तो ये भी न्यूज़ हमने आपको दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ नंबर 8 की बात आपसे हम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, विपिन आनंद हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC ऑफ इंडिया। विपिन आनंद को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। ये न्यूज, अच्छा एक बात और, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड MR कुमार एज द चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड TC सुशील कुमार एज द मैनेजिंग डायरेक्टर मार्च 13 को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी MR कुमार को LIC का चेयरमैन और TC सुशील कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था, लेकिन अब TC सुशील कुमार की जगह पे विपिन आनंद जो होंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे LIC ऑफ इंडिया के। तो ये पॉइंट आपको दे दिया। अंशुल, मार्च का MCQ करा देंगे बेटा, परेशान मत हो। ठीक है, तो ये पॉइंट देखें, आगे बढ़ें और अबाउट LIC की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1956 और ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अब बात करते हैं आपसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो रही है। तो हमने आपको मार्च की पूरी लिस्ट फिर से आपको दी है ताकि आपका फटाक से रिवीजन हो जाए, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 9 पे चलते हैं। डॉक्टर सोनी शास्त्री ऑनर्ड विथ D.Lit, तो कहां से मिला आइए उसकी बात करें। देखिए, इंडियन एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सोहिनी शास्त्री हैज बीन ऑनर्ड विथ D.Lit इन एस्ट्रोलॉजी बाई नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA। तो नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA ने डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को D.Lit इन एस्ट्रोलॉजी से सम्मानित किया है। लेकिन ये अकेली नहीं थी, इनके साथ और कौन लोग थे? तो इनके साथ मोहित चौहान भी थे जो बॉलीवुड सिंगर हैं, और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस भी थे। इन लोगों को भी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो देख लें, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी? तो देख लें, यूनिवर्सिटी नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA।
तो मोहित चौहान और टेरेंस लुइस को भी यहाँ पे डॉक्टर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ देखें, आइए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं। तो एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि दिल्ली और NCR में BS6 ग्रेड पेट्रोल और डीजल अब शुरू हो जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है has started the supply of ultra clean BS6 grade petrol and diesel has begun in cities adjoining the national capital. तो national capital मतलब दिल्ली या आसपास की बात करें तो Indian Oil Corporation supply करेगा BS6 grade petrol and diesel की। ये काफ़ी important information है, Indian Oil Corporation का नाम आपको learn करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे न्यूज़ नंबर 11 की। देखिए यहाँ पर श्री राकेश मेहरोत्रा हु वॉज अ कौंसल जनरल कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया मेलबर्न अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कैमरून। तो श्री राकेश मेहरोत्रा को कैमरून में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इंडिया का। राकेश मेहरोत्रा हाई कमिश्नर बने हैं कैमरून में, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। राकेश मेहरोत्रा की बात हम कर रहे हैं, राकेश मेहरोत्रा की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरून की बात कर ले तो कैपिटल और करेंसी आपके सामने है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी आपके सामने है, और आई थिंक आपको ये सब याद भी होगा, ठीक है। विजय प्रकाश, डॉक्टरेट का मतलब एक तरह का सम्मान होता है पढ़ाई का, मैं जो कि पढ़ाई करो आप वहाँ से, ठीक। चलिए आगे बढ़े, न्यूज़ नंबर 12 की बात करते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। तो जो एक्ट्रेस हैं हम उनकी बात यहाँ पे कर लें, देख लीजिए, मैं यही बोलता हूँ, आप बॉलीवुड में फेल हो गए लेकिन आप देखिए क्या अपॉइंट हो गए, आपके अंदर कई सारे स्किल्स होते हैं, हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस मयूरी कांगो हैज अपॉइंटेड एज द इंडस्ट्री हेड ऑफ गूगल इंडिया। मयूरी कांगो को गूगल इंडिया, गूगल इंडस्ट्री इंडिया का हेड अपॉइंट किया गया है, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर है, और गाना तो आपको याद होगा, तो ये एक्ट्रेस भी आपको याद होंगी ज़रूर, ठीक है। तो न्यूज़ नंबर 12 की हम बात कर रहे थे और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट न्यूज़ नंबर 13 की बात करें। तो सऊदी अरेबिया ने 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तो सऊदी अरेबिया ने इराक से अपने रिलेशन तोड़ दिए थे, लेकिन 30 साल के बाद सऊदी अरेबिया को फिर से प्यार जागा है दिल में इराक के लिए। आइए हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया हैज़ रीओपेंड अ कॉन्सुलेट इन बगदाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 30 ईयर। तो सऊदी अरेबिया ने अपना सर दो लाइन सुना दो, मैं इतना बुरा गाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर के बाहर गेट पर गाना गा रहा था बैठकर, ठीक। तो अचानक मेरी माता जी बाहर आई और उनके हाथ में रोटी और कुछ था, तो मैंने पूछा हुआ क्या, तो बोली कि मुझे लगा कोई भीख मांगने वाला आया है बाहर, गाना वाना गा रहा है। तब से मैंने घर में भी गाना गाना छोड़ दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या नहीं सच्चाई कंप्यूटर जी ये बात। तो न्यूज़ नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया ने बगदाद में 30 साल के बाद अपना कॉन्सुलेट ओपन किया है, और इराक को $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी दिया है ताकि ईरान का जो इकोनॉमी है वो वापस रफ्तार पर आ जाए। चलो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देखिए न्यूज़ नंबर 13 की। तो सऊदी अरेबिया वुड ऑल्सो प्रोवाइड इराक 500 मिलियन टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड गिफ्ट ऑफ 1 लाख सीट स्पोर्ट्स स्टेडियम बगदाद आउटस्कर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताइए, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट। तो 13 पॉइंट हमारे हो गए, तुम लोग को बड़े मजे आ रहे हैं, मेरी जब भी बेइज्जती हुई है ना तुम लोग को बहुत खुशी मिलती है, चलो कोई बात नहीं। तो न्यूज़ नंबर 13 की हम बात कर रहे थे, हो गया हमारा, आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू बिल्ड ओवर डिलीवर 100 वॉरशिप, व्हाट इज द आंसर। तो ये तो आपको पढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन आपको पहले ही पढ़ाया गया और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर। कार्तिक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब बेटा बहुत बड़ा पॉइंट है, उसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझनी है तो आप मेरा मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है। एंड द आंसर इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हु टुक ओवर द कमांड फॉर ईस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम इन मार्च 2019। रियर एडमिरल सूरज बेरी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अर्थ आवर 2019, ये क्वेश्चन कल के हैं क्या, किस दिन आएंगे, ऑन विच डे वॉज अर्थ आवर 2019 सेलिब्रेटेड।
चलो तुम लोगों को गाना सुना देंगे एक दिन, ठीक है? मैं ठीक गाता हूँ, ऐसा नहीं इतना बुरा भी गाता हूँ। ये कंप्यूटर जी कहते हैं हमेशा ये क्वेश्चन में कल, हाँ ये कल वाले क्विज है मुझे लग रहे हैं, 30th मार्च, और देख लें। सुनो सुनो, एक काम करते हैं, कल तो हमारा सीए रही है, तो मंडे को जब हम मिलेंगे तो मंडे को मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लग रहा है कंप्यूटर जी से कुछ गलती हुई है स्लाइड डालने में। ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने। अंधेरा कायम हो गया, कंप्यूटर जी लगाएं फिर से एक बार। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद, हाँ, माफ कर दो भाई, माफ कर दो, इसी चीज इसे ठीक करवा दूंगा मैं, इसे ठीक करवा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मंडे को आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा भैया, हाँ नाराज मत होना तुम लोग, हम आपको करवा देंगे, ठीक? और थोड़ा सा लाइक कर दो सेशन यार, तुम लोग ठीक है समझते हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हमेशा सही टाइम नहीं होता सबका। ये कैसे गड़बड़ हुआ मैं चेक करता हूँ उससे बेटा, ठीक है? और मैं मंडे को आपको रिवीजन में ये करवा दूंगा, ठीक है? तो ज़रा सा देख लो तुम लोग भी, हाँ मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आंसर मत दोहराने छोड़ो, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ और ये पीडीएफ आपके सामने ये है, देख लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। आप लोग खुश रहिए और सलामत रहिए, बस मेरी यही दुआ है आपके लिए। आप खूब हंसिए मुस्कुराइए और मैं आपसे आपको मंडे को ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा यार। हाँ पीडीएफ दे तो रहे हैं बेटा, ये लो ना पीडीएफ, पीडीएफ लो, एकदम खुश रहो तुम लोग के लिए जान भी हाजिर है, पीडीएफ तो बहुत छोटी बात है ना, अब यही सब बातें करनी पड़ेंगी बनाने के लिए। चलो तुम लोग नाराज मत होना, मिलते हैं आपसे मंडे को करंट अफेयर्स के साथ। और अभी मैंने शाम को 5 o'clock वाला सेशन बंद किया, बहुत सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं, तो एक्चुअली हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम आपको और किस तरह से दें। अभी रेलवे के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, LIC के एग्जाम में, इसमें अभी टाइम है, तो थोड़ा प्री पर फोकस कर लें, थोड़ा मैथ रीजनिंग सॉल्व कर लें। जीए के लिए शेफाली मैम पढ़ाई रही हैं, फॉर रेलवे वाले बच्चों के लिए, तो मैं आऊंगा। और आपको पता है कि जब हम आते हैं स्ट्रेटजी के साथ तो हमेशा आतिशबाजी होती है, तो आएंगे आतिशबाजी होगी, थोड़ा ध्यान रखें, आपका लेक्चर आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, थोड़ा सा रुक जाइए बस, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू गाइज फॉर कमिंग। आप आते हैं तो हमेशा मोटिवेशन मिलता है, आप आते हैं तो हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है, और आपके सपोर्ट की वजह से ही टेक्स्ट बुक यहाँ तक पहुँचा है और हमारा करंट अफेयर्स बेस्ट है। आपके सपोर्ट से ही हमने सीखा है चीजों को, तो आप हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे, थैंक यू। और सबका दिन मंगलमय हो, सबको हैप्पी नवरात्रि। और बॉयज थोड़ा सा गर्ल्स से दूर रहिएगा, थोड़ा गर्ल्स के साथ कुछ मतलब मत बोलिएगा, बिकॉज ये 9 दिन जो है ना, गर्ल्स के अंदर शक्तियां होती हैं, देवी हो जाती हैं गर्ल्स, तो ये मैं बॉयज को एडवाइस देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज, और आपका दिन मंगलमय, थैंक यू।